दोस्तों आपने हाल ही में जरूर ये बात सुनी होगी कि मतलब जैसे अपना आधार कार्ड होता है ना, वैसे अब सरकार हमारे जमीनों के भी भूखंड के भी आधार कार्ड की तरह एक यूनिक आईडी बनाएगी। मैंने आपको डीएलएस न्यूज का जो डेली का टुडे ब्रेकिंग न्यूज वाला मॉर्निंग बुलेटिन का अपडेट वीडियो जाता है उसमें बताया भी था इसके बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, राइट। लेकिन आप में से बहुत सारे भाई बहन दोस्त मित्र कॉमेंट किए कि यार डीएलएस भाई इसके बारे में थोड़ा विस्तार से डिटेल्ड वीडियो बताओ, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर सरकार की क्या प्लानिंग है और अब जमीनों का भी आधार कार्ड बनेगा। जी हाँ, लिटरली सोचने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, यार मतलब आधार कार्ड और वो भी जमीनों का, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन इट्स रियल प्लान ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। भारत सरकार जो है ना दोस्तों, जमीनों के विवादों को कम करने के लिए और जमीनों के गड़बड़ घोटाले को खत्म करने के लिए इस तरह का नया प्लान लेकर आई है। लिटरली मतलब जमीनों का भी आधार कार्ड की तरह एक यूनिक आईडी नंबर बनाया जाएगा। जमीनों को एक नंबर अलॉट करेगी सरकार, फिर गांव में कृषि भूमि समेत और शहरों में भूखंड प्लाट वगैरह जो होते हैं ना छोटे छोटे टुकड़े, उनको भी। आइए जानते हैं इस प्लान के बारे में थोड़ा विस्तार से और अब आपको जमीन खरीदने या बेचते समय और किन बातों का ध्यान रखना होगा सरकार के इस नए नियम के बाद और गवर्नमेंट की ये नई पॉलिसी आखिर कब से लागू होने जा रही है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत करेंगे। हाल ही में आपको बताऊंगा दोस्तों, सरकार ने जो बजट अनाउंस किया था ना हमारे देश का, उस बजट में भी इस बारे में हमें हिंट दी थी। अब इससे आपको फायदा ये होगा कि एक तो किसी भी जमीन के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको रेवेन्यू ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, यूआईटी वगैरह नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार आधार कार्ड के जैसे अब जमीनों को भी 14 अक्षरों की एक यूनिक अंक आईडी देगी जिसका नाम रखा गया यूएल पिन, यूनिक लैंड पार्शियल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूएल पिन की फुल फॉर्म ये होती है, ध्यान में रखिएगा, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ ली जाती है ऐसी चीजें। अब मतलब जमीन का ब्यौरा जुटाने के लिए आपको कहीं पर भी सरकारी दफ्तर में जाना नहीं पड़ेगा। ये जमीन किसके नाम पर है अगर आप खरीद रहे हैं तो उसकी डिटेल्स अब आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी, क्योंकि जमीनों के रिकॉर्ड को सरकार एक यूनिक आईडी नंबर देकर के सारा डेटाबेस ऑनलाइन अपलोड करने जा रही है। जैसे हमारा आधार कार्ड में यूनिक नंबर होता सभी का, आधार नंबर के जरिए पता चल जाता कि ये आदमी कौन है, क्या इसका नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कहां रहता है, इसका एड्रेस क्या है, जाति फलाना ढिमका वगैरह सब कुछ पता चल जाता है सिर्फ 12 अंकों के आधार नंबर से, राइट। ठीक वैसे ही जमीनों का 14 अंकों का एक यूएल पिन नंबर होगा और उस पिन के जरिए जमीनों की एक यूनिक पहचान बन जाएगी। अच्छा, इससे एक सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि धोखाधड़ी रुकेगी। आपको पता होगा आए दिन कई बार ऐसे मामले ऐसे केस भी देखने को मिलते हैं और कोर्टों में भी, जो कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तक भी कई सारे ऐसे केसेस चल रहे हैं जो जमीनों को लेकर हैं। लोग बाग विवाद उत्पन्न कर देते कि ये जमीन मेरे नाम पर, मेरे नाम पर, मेरे नाम पर। लेकिन अब जब जमीन नाम परिवर्तन होगा ना, तो 14 अंकों के आधार कार्ड जैसा जो यूएल पिन नंबर होगा ना मतलब जमीनों का, उसमें रिकॉर्ड ही बदल जाएगा पूरा। तो जाहिर सी बात है सरकार के पास भी ये डिटेल्ड क्लियर ट्रांसपेरेंसी रहेगी और ऑनलाइन भी ये चीजें अपडेटेड रहेगी कि ये जमीन किसके नाम पर है, ये प्लॉट किसके नाम पर है, तो इससे संबंधित जो विवाद है वो भी कम होंगे। इसके अलावा भूलेख और राजस्व रिकॉर्ड को और ज्यादा व्यवस्थित बनाया जा सकेगा, राइट। ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड प्रोग्राम यानी कि DILRPM, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये इस प्रोग्राम का, इस प्लान का सरकार का नाम है। और अब मतलब नेशनल डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम से राज्यों के सारे भूमि दस्तावेज भी जुड़ेंगे। प्रत्येक भूखंड के अलग आधार जैसे यूनिक नंबर हो गए और राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने ये आदेश भी जारी कर दिया। भूमि सुधार की दिशा में पहल करते हुए सरकार ने आम बजट में भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया है। राज्यों में भूमि संबंधित विवादों की बढ़ती संख्या पर काबू पाने के लिहाज से ये प्रावधान काफी कारगर भी साबित होगा। देश के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इससे शहरी व ग्रामीण दोनों जगहों पर भूमि की अपनी अलग पहचान निश्चित करने को बताया है इस प्लान के माध्यम से। जमीन संबंधित विवाद, फर्जी बेनामी तरीके से जो मतलब जमीन पर अपना हक जमाने वाले लोग बाग है उन पर लगाम लग सकेगी। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन का प्रावधान जमीनों के लिए देश भर में लागू होगा। इसके लिए राज्य भी सहमत हो चुके हैं और इस बाबत एक खास सॉफ्टवेयर भी बना रही है सरकार, जिससे कि नेशनल जेनेटिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NGDRS को जोड़ दिया जाएगा। और ज्यादातर देश के मतलब भूमि दस्तावेजों का कंप्यूटरीकरण का काम पूरा भी हो चुका है, उन्हें अब सूचना प्रौद्योगिकी से लिंक कर दिया जाएगा और इसके लिए डिजिटलीकरण के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। भूमि संसाधनों के प्रभावी उपयोग की अनिवार्यता को लेकर सरकार सतर्क है पहले से ही और राज्यों को इसके लिए भी तैयार किया जा रहा है। इसके पहले चरण में राज्यों के भू अभिलेखों को डिजिटलाइजेशन में लाया जाएगा और जो लगभग अंतिम चरण में है, भूमि के प्रत्येक टुकड़े को यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर से लेस कर दिया जाएगा। संविधान में भूमि राज्य का विषय होने की वजह से इसके लिए राज्यों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज सभी भाषाओं में भूमि दस्तावेजों की नकल भी प्राप्त की जा सकती है और इस प्रणाली के पूरी तरह संचालित होने के बाद देश के किसी भी हिस्से में होने वाला बेनाम में घपले की आशंका नहीं होगी। जमीन के टुकड़े अथवा खेत का फर्जी बेनामा अथवा कई लोगों को एक साथ जमीन बेच देना, इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सकेगी। रजिस्ट्रेशन की समान प्रणाली पूरे देश में लागू होने से जमीन संबंधित विवादों को भी सीमित करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय भू संसाधन मंत्रालय सभी राज्यों में भूमि सुधार से जुड़े मॉडल एक्ट देता रहा है और मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 6.5 लाख के समथिंग गांव हैं, जिनमें से 5.5-6 लाख समथिंग गांवों की जमीनों का कंप्यूटरीकरण भी हो चुका है, यानी कि ये योजना बहुत कंप्लीट होने के कगार पर है और उम्मीद है कि इसी साल 2022
2023 तक ही हमें जमीनों के लिए ये सिस्टम सरकार के द्वारा देखने को मिले। राज्यों में ये प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है और डिजिटलीकरण के बाद कहीं भी किसी भी जमीन को ऑनलाइन आप खुद ही देख सकेंगे, उसकी नकल प्राप्त कर सकेंगे और डिजिटलीकरण से बेनामा करने से पहले संबंधित जमीन के मालिकाना हक की भी जांच की जा सकेगी। तो यही इस सरकार की प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य है कि देश भर में वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्रावधान लागू होगा। मतलब रजिस्ट्री करवाना, नामांतरण करवाना, ये प्रोसेस भी सभी राज्यों के लिए सेम रहेगी, सभी जगहों पर UIT वगैरह में, है ना। और बाकी तो देखते हैं सरकार जब इस योजना को ऑफिशियली देश भर में लॉन्च करेगी तब और आपको क्या अपडेट और क्या बदलाव करना होगा। जो भी इसके नियम और गाइडलाइंस आएगी, सरकार का जो भी प्रोसीजर आएगा, वो मैं आपको इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से बता दूंगा। जैसे मैं आपको हर बार काम की इन्फॉर्मेशन, जानकारियां, काम की खबरें आपके मोबाइल तक हमारे चैनल DLS न्यूज के माध्यम से पहुंचाता रहता हूं, वैसे ही, है ना। और भी आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल जवाब है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और अपने इस चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि होगा ये कि आप जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर करते रहेंगे, है ना। और ख्याल रखना अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।